नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालाघाट मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम देवटोला के गुरुकुल स्कूल में एनएसएस शिविर के दौरान 14 मार्च को सर्व ब्राह्मण समाज की महिला मंडल द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सर्व ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष एवं समाज सेवी राजेश पाठक उपस्थित हुए। इस स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे चिकित्सक डॉक्टर अविनाश शुक्ला, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष बंसोड़, डॉक्टर सुशांत शुक्ला, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना भूते, चर्म एवं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि शुक्ला द्वारा शिविर में पहुंचे ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण कर मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही श्रीमती श्वेता सुशांत शुक्ला एवं आकाश जोशी द्वारा एनएसएस की छात्राओं के सहयोग से ग्रामीणों को निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा एनएसएस शिविर के दौरान आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष एवं समाज सेवी राजेश पाठक ने कहा कि सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा निरंतर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के असहाय लोगों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सर्वोपरि है। जहाँ असहाय लोगों के स्वास्थ्य की दिशा में महिला मंडल कार्य कर रही है, वहीं शिक्षा के लिए अशोक बाबू का कार्य सराहनीय है। देवटोला में जन सहयोग से चलाए जा रहे स्कूल के लिए भवन की नितांत आवश्यकता है। हमारा प्रयास होगा कि हम जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में इस विषय को लाकर इसका काम कराएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस कोरोना ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। कार्यक्रम के दौरान सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक द्वारा शिविर में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों और सामाजिक लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में ग्रामवासियों को कोरोना से बचाव के लिए हाँ, ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर ये जो श्रृंखला चालू गई है, की गई है, आज यहाँ सर्व ब्राह्मण समाज और गांव के प्रमुख तमाम सहयोगी जैसे अशोक बाबू हैं, अपना मैडम है, पार्षद मैडम है, यहाँ स्कूल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई। ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर इसके पूर्व भी इसकी श्रृंखला चलाई जा चुकी है, चल रही है लगातार। डॉक्टर अपने जो हैं सुशांत शुक्ला और उनकी मैडम रश्मि शुक्ला, जो रिश्ते में मेरे एक तरह से भतीजे और भतीजी हैं, मेरे मकान के बाजू में रहती हैं, इनका एक दो तीन महीने पहले से ही ये लगातार कहीं ना कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इसमें हमारे तमाम डॉक्टर बंधु डॉक्टर अविनाश शुक्ला, प्रवीण ज्योति जी, सुशांत शुक्ला जी, आशीष बंसोड़ जी, रंजना भूते मैडम और रश्मि शुक्ला, ये सारे लोग सक्रिय रूप से सेवा भाव से निःशुल्क निस्वार्थ ये कार्यक्रम कोरोना काल में बहुत ज़रूरी था। भगवान करे कि कोरोना पूरी तरह ख़त्म हो जाए और कोरोना में जैसे मास्क बांटना, दांतों की चिकित्सा, आंखों की चिकित्सा, विभिन्न प्रकार के शिविर लगा के अभी एक वहाँ वार्ड नंबर 5 में भी इसी तरह का आयोजन पिछले 1.5 महीने पहले किया था, उसमें भी बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए थे। आज हमारे तमाम ऐसे असहाय लोगों को ज़रूरत है इसी कि निःशुल्क उनको चिकित्सा मिले, शिक्षा मिले। यहाँ के स्कूल की हालत भी देखी हमने आज, पार्षद मैडम ने बताया कि बहुत सारे नेता लोग आए, कांग्रेस की सरकार में भी आए, इस सरकार में भी आए, और सारे लोगों से इन्होंने अपना निवेदन भी किया। लेकिन ये अशोक बाबू को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से महात्मा फूले ने संघर्ष करके और शिक्षा के प्रति अपनी एक अलग जगाई थी, यहाँ देवटोला में अपने अशोक बाबू की भी मैं प्रशंसा किए बगैर नहीं रहूँगा। अग्नोत्री मैडम है यहाँ और यहाँ की जो और शिक्षिकाएँ हैं वो भी बहुत संघर्षपूर्ण अपने जीवन के साथ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जन सहयोग से ही यहाँ सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं तो सारे गांववासियों को बहुत ही हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भी पूरा सहयोग दिया, बच्चों ने भी पूरा उसका लाभ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, यही इस तरह के आयोजनों का हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर हमारी महिला मंडल की संध्या जी उपस्थित हैं, आदित्य पंडित जी उपस्थित हैं, जावी मिश्रा जी हैं, हमारे मुकेश तिवारी जी हैं, ये हमारे सब लोग हमारे कर्मठ लोग हैं जो समाज के लिए और समाज के बाहर चल के काम करते रहते हैं। अभी हमारी संध्या जी आगे की भी कुछ योजना बना रही हैं, बैठ के आगे भी कुछ कार्यक्रम
बड़े पैमाने पे हम लोग करने का प्रयास करेंगे और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना की समाप्ति शीघ्र अति शीघ्र हो। बालाघाट फिर भी हमारा भाग्यशाली है कि हम पूरे देश में और बगल में महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उससे भी अभी काफ़ी अछूते हैं और बचे हुए हैं। ऐसा ही प्रभु शंकर भगवान की कृपा हम सब पे बालाघाट जिलेवासियों पर बनी रहे।